प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आई एम डॉक्टर तरुण कुमार गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेल इंजीनियरिंग जी आर बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोडा फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोर्ट इज के एम ई जीरो सेवन सिक्स एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड लैक्चर ऑफ गैस एंड पावर प्लांट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ़ द गैस पावर प्लांट Uh, types of gas power plants merits demerits and the status of gas power plant in india right so today we, here we will discuss the method for improvement of thermal efficiencies so we are using few methods to increase the thermal efficiency of the uh, gas turbine power plants we can use intercooling we can use reheating we can use regeneration and we can use combination of all इंटरकूलिंग री हीटिंग रीजनरेशन कम्बिनेशन ऑफ ऑल सो ये यूज़ कर सकते हैं जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरकूलिंग की अब इंटरकूलिंग है क्या इंटरकूलिंग का मतलब है कि कूलिंग बिटवीन टू स्टेजेस। अब देखिए इस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग ए लो प्रेशर कंप्रेशर हाई प्रेशर कंप्रेशर देन देर इज ए टर्बाइन राइट यहाँ तक तो आपको समझ में आता है कि कंप्रेशर के बाद टर्बाइन के बीच में एक कंबस्टन चैम्बर होता है सो so, टर्बाइन से पहले कंबस्टन चैम्बर है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हियर वी आर इज इन टू कंप्रेशर लो कंप्रेशर एंड हाई प्रेशर कंप्रेशर अब लो प्रेशर कंप्रेशर में क्या होता है कि हम एयर लिया इट इज इन ओपन के ओपन साइकिल टर्बाइन वी आर टेकिंग एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर और उसके बाद क्या हुआ एटमोसफेयर से लेने के बाद हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं जैसे लेट से अगर हमको 200 बार तक इंक्रीज करना है प्रेशर वन एटमोसफेयर प्रेशर से सो so एक ही स्टेज में वन से 200 नहीं करते ध्यान रखिए हम क्या करते हैं वी आर यूजिंग मोर देन वन स्टेज सो लेट से हीयर मैंने टू स्टेज शो किया है जैसे पहले स्टेज में मैंने वन से लेकर के लेट से सिक्सटी बार तक हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया वन से बार से सिक्सटी बार तो यहाँ पर सिक्सटी बार इंक्रीज़ किया सो so, सिक्सटी बार जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है क्लियर सो so, हमने क्या किया वी वी आर यूजिंग एन इंटरकूलर और इस इंटरकूलर में कूलिंग मीडियम अरेंज करते हैं यूज करते हैं जो कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होता है अब प्रेशर कॉन्स्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कम कर दिया हमने सो so, ये जो 60 बार पर एयर थी 60 बार प्रेशर पर इसका प्रेशर तो 60 बार रहेगा लेकिन इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर उस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर एयर को हाई प्रेशर कंप्रेशर में ले गए हम सो 60 बार से 200 बार पर यहां पर कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर इसको हम कंबस्टन चैम्बर में ले गए एंड साइकिल फिर देन एज यूजल इसका इफेक्ट क्या होगा क्यों किया ऐसा हमने तो देखिए पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पर हमने इसका इफेक्ट दिखाया हुआ है आप देखिए वन से लेकर के टू तक टू डैश तक अगर हम इफ वी आर यूजिंग सिंगल स्टेज कंप्रेशन मीनस इंट्रकुलर यूज नहीं करते हैं सो so हमें यहाँ से यहाँ तक जाना होता ये हमारा कंप्रेशन होता ठीक है अब हमने क्या, -क्या? किया वन से टू तक किया कंप्रेशन वन से टू तक कहाँ किया लो प्रेशर कंप्रेशन में एडियाबेटिक कंप्रेशन टू से थ्री कूलिंग कर दी हमने अगर आप देखें यहाँ पर टू से थ्री कूलिंग कर दी और थ्री से फोर हमने फिर से कंप्रेशन किया अभी ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है एक डॉटेड लाइन हमने शो की है डॉटेड लाइन शो करनी है कि एक्चुअल में कंप्रेशन ऐसा होना चाहिए एडियाबैटिक है कंप्रेशन सो एक्चुअल में कंप्रेशन तो इस लाइन को फॉलो करना चाहिए बट क्योंकि परफेक्ट एडियाबैटिक इज नॉट पॉसिबल सो इसको एज इट इज फॉलो नहीं करता इसीलिए ये एक्चुअल में है जो हमने दिखाया सो नेट सेविंग ऑफ वर्कडन आप ये देखते हैं जो हैशिंग हमने करी है दिस इज नेट सेविंग ऑफ वर्कडन सेम वी कैन शो हियर वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर अब देख सकते हैं राइट सो दिस इज द इंटरकूलिंग इसके बाद हम बात करते हैं री हीटिंग की अब री हीटिंग क्या है अब देखिए री हीटिंग का मतलब है दोबारा से हीट करना दोबारा से गर्म करना वो कब कर सकते हैं री हीटिंग इज री हीटिंग इज बिटवीन टू कंबस्शन चैम्बर और बिटवीन टू टर्बाइन अब देखिए एक कंप्रेसर है ये अब अब हम सिंगल कंप्रेसर यूज कर रहे हैं एयर यहाँ से इनलेट हुई कंप्रेस हुआ कम्प्रेस कम्बस्टन चैम्बर में गए यहाँ पर एक टर्बाइन है हाई प्रेशर टर्बाइन इसमें इसको एक्सपेंड किया इसके बाद यहां हमने कहा इसमें मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली नाइन हंड्रेड डिग्री फॉरन हाइट टेम्परेचर होता है टर्बाइन से जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट हो रही हैं सो so, हमने क्या किया इसको डिस्चार्ज नहीं किया एटमोस्फियर में हमने क्या किया इसको दोबारा से कम्बस्टन चैम्बर में ले गए और दोबारा से रीहीट किया इसको हमने क्या किया दोबारा से रीहीट किया दोबारा से गर्म किया इसको और इसको फिर एक लो प्रेशर टर्बाइन से क्रॉस किया ठीक है अब इससे क्या होगा देखो टीएस डायग्राम पर आप देखिए इससे क्या हुआ वन टू टू कम्बस्टन कंप्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं टू टू थ्री टू टू थ्री इज कम्बस्टन ही कौन सा ये वाला ये पॉइंट टू है ये पॉइंट थ्री है ठीक है थ्री टू फोर एक्सपेंशन थ्री टू फोर एक्सपेंशन अब फोर टू फाइव ये दोबारा से ये वाला जो पार्ट है अगेन कंबस्चन एंड दिस इज द फर्दर एक्सपेंशन सो अगर ये नहीं होता तो हमारा क्या होता यहां पर आता सो दिस इज द एडिशनल वर्क जो हमें एडिशनल वर्क मिला है वो ये है दिस इज द एडिशनल वर्क विच वी गेट बाय द रीहीटिंग। बट रीहीटिंग विल इंप्रूव द एफिशंसी ऐसा कहना मुश्किल है क्यों मुश्किल है क्योंकि वेन एवर यू आर डूइंग रीहीटिंग यू आर कंज्यूमिंग सम हीट ऑल्सो इसमें कुछ हीट भी कंज्यूम कर रहे हैं सो so, ये कहना मुश्किल है कि रीहीट से एफिशंसी इंप्रूव होती है या नहीं होती ठीक है ये डिपेंड करेगा कैपेसिटी पर कैलकुलेशन पर कितनी रीहीट कर रहे हैं कितना टेम्परेचर सो बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है ये इसके बाद बात करते हैं रीजनरेशन आपको हमने बताया था रीजनरेशन क्या है रीजनरेशन है जो कंबस्टन सॉरी कंप्रेशन से जिस एयर को हमने कंप्रेस किया वहाँ से इसको हम एक री से ले जाते हैं सो so दैट इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे और कम्बस्चन चैम्बर में ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्व ना करे ठीक है इट मीन्स कम हीट से ही काम चल जाए कम्बस्शन चैम्बर में सो देखिए दिस इज द कम्प्रेशर कंप्रेशर से एक हीट एक्सचेंजर है जिसको हमने नाम दिया है रीहीटर इस हीट एक्सचेंजर में हम ले कर के गए यहाँ से कम्बस्टन चैम्बर में ये टर्बाइन में एक्सपेंड हो गए टर्बाइन का जो ये अप्रोक्सीमेटली नाइन हंड्रेड फारन की जो टेम्परेचर है इसको यहाँ से क्रॉस किया सो so, यहाँ पर हीट एक्सचेंज होती है सम हीट इज एक्सचेंज ईयर सो ये थोड़ा सा और हीटअप हो जाती है ये एयर और जब कम्बसन चेंबर में हमें रिक्वायर टेम्परेचर तक लाने के लिए कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है अगर इसको हम टी एस पर दिखाना चाहें तो ये देखिए ये टी एस डायग्राम है ये वन टू टू आप देख सकते हैं कंप्रेशन है टू टू थ्री यहाँ से यहाँ तक टू टू थ्री अगर टू टू थ्री की मैं बात करूं सो so, टू से लेकर के थ्री तक की जो हीट है दिस हीट इज़ सप्लाइड बाय द रीहीटर और थ्री टू फोर की जो हीट है ये कम्बस्टन चैम्बर में अगर ये रीहीटर नहीं होता तो क्या होता यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हीट कम्बस्टन चैम्बर सप्लाई करता ये सो यू कैन से दिस इज़ अ सेविंग दिस इज अ सेविंग क्लियर सेविंग ऑफ द हीट और सेविंग ऑफ द फ्यूल इसके बाद हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ ऑल तो देखिए फ्रेंड्स कम्बिनेशन ऑफ ऑल की अगर हम बात करें वी आर ही यूजिंग मिनिमम टू कंप्रेसर लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कंप्रेशर हमने यूज़ किया ठीक है लो प्रेशर में कंप्रेस हुई उसके बाद एक इंटरकूलर से इसको क्रॉस किया देन हाई प्रेशर में गई इस गया ये एयर हाई प्रेशर में फर्दर इसको कंप्रेस किया इसके बाद इसको क्रॉस किया हमने री से क्या है ये ध्यान रखना री ये है री हीट एक्सचेंजर रीजनरेटर से क्रॉस करने के बाद दिस इज द कम्बस्टन चैम्बर देन टर्बाइन आप देख सकते हैं टर्बाइन के बाद री हीटर इसको नाम दे देते हैं री हीटर अगेन टर्बाइन 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 से आप देखिए ये वापस जाती है री हीटर में और हीटर से कूलर में जा करके वापस चली सो यू कैन से दिस इज अ केस ऑफ क्लोज साइकिल अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए थे वो सारे ओपन साइकिल थे दिस इज अ केस ऑफ क्लोज साइकिल राइट अब इसका अगर हम टी एस डायग्राम पर इसको देखें अब देखिए टी एस डायग्राम पर देखिए इसको वन टू टू लो प्रेशर कंप्रेशन टू टू थ्री इंटरकूलिंग थ्री टू फोर हाई प्रेशर कंप्रेशन अब ये डॉटरी लाइन क्या शो कर रही है डॉटरी लाइन शो कर रही है कि एडियाबैटिक प्रोसेस अगर इट इफ़ इट इज़ परफेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस तो कैसा होता देखिए परफेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस होता तो वन से टू डैश तक जाती और टू डैश से थ्री डैश थ्री तक आता और थ्री से थ्री फोर डैश तक जाती पर बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट एडियाबैटिक सो वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर सो so, अब देखिए केवल इस कंप्रेशन से जो हमने टू स्टेज कंप्रेशन किया इससे हमें इतना वर्गडन फालतू मिल गया ये हमें एनर्जी वर्क फालतू मिल रहा है ये एक्सेस मिल रहा है राइट right? अब फोर से देखिए हमने क्या किया एक री हीटर यूज किया सो so, फोर से फाइव तक दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन बाय री हीटर और फो फाइव टू सिक्स ये कंबस्टन चैम्बर में सो अगेन दिस इज द सेविंग ये वर्क एक्स्ट्रा मिल गया दिस इज द सेविंग ऑफ द हीट अब सिक्स टू सेवन एक्सपेंशन हो गया एक टरबाइन में दैट इज हाई प्रेशर ट्रबाइन सेवन टू एट हमने इसको रीहीट किया सेवन टू एट हमने क्या किया इसको रीहीट किया सेवन टू एट अब डॉटेड लाइन शो कर रही है एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर इफ़ इट इज़ परफेक्ट एडियाबैटिक तो सिक्स टू सेवन ना होकर के सिक्स टू सेवन डैश होता और यहाँ पर एट टू नाइन डैश होता बट बिकॉज देर इज़ नॉट परफेक्ट एडियाबैटिक सो इट इज सिक्स टू सेवन इन प्लेस ऑफ सिक्स टू सेवन डैश एंड सेवन एट इज द रीहीटिंग एंड एट टू नाइन अब देखिए री हीटिंग करने के बाद हमें दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क ये एक्स्ट्रा मिल गया हमें राइट right? अब नाइन टू टेन नाइन टू टेन क्या है ये जो आप एटमोसफेयर में डिस्चार्ज करते हीट को किसी भी तरीके से ये री हीटर में चली गई हीट सो थोरटिकली फोर टू फाइव इज इक्वल टू नाइन टू टेन हीट हीट कंटेंट और बाकी को आपने थ्रू सम मीडियम टेन टू वन जो हीट है थ्रू सम मीडियम वी रिजेक्ट इट इन टू द एटमोसफियर क्लियर है ओके okay. <coughs> इसके बाद हम बात करते हैं गैस ट्रबे फ्यूल्स की सो so, तीन तरह के फ्यूल हम गैस ट्रबेल में यूज कर सकते हैं गैस फ्यूल लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल आप कहेंगे सर अभी तक तो आप कह रहे थे गैस फ्यूल गैस फ्यूल गैस फ्यूल यस विद द सेम बर्नर वी कैन यूज़ ऑल टाइप ऑफ फ्यूल गैस लिक्विड एंड सॉलिड प्रिफ्रेंस इज गिवन टू गैस गैस कौन सी नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं ब्लास्टफरनेस गैस यूज कर सकते हैं बट इफ़ गैस इज नॉट अवेलेबल मैंने आपको बताया किसी भी रीजन से गैस की सप्लाई इंटरप्ट हो गई गैस की पाइपलाइन फट जाती है या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है गैस की सप्लाई इंटरप्ट हो गई तो क्या करेंगे हम वी आर यूजिंग सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम ऑरिजिन फ्यूल लाइक डिस्टिलेट ऑयल रेजिड ऑयल राइट डिस्टिलेटेड ऑयल में क्या नेफ्था भी यूज कर सकते हैं द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस दिस फ्यूल इज प्रॉपर वोलाटिलिटी एंड कैलोरीफिक वैल्यू फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड सस्पेंडेड इम्प्योरटीज एक्सेट्रा सो ये रिक्वायर्ड है अगर आपसे पूछें क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि वॉट आर द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ गैस टर्बाइन गैस फ्यूल तो आप बताएंगे नंबर वन पर क्या है प्रॉपर वोलाटिलिटी नंबर टू पर प्रॉपर विस्कोसिटी नंबर थ्री पर प्रॉपर कैलोरीफिक वैल्यू नंबर फोर पर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर नंबर फाइव पर फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सो ये फाइव प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर बता देंगे ठीक है सॉलिड फ्यूल भी यूज कर सकते हैं इफ़ इट इज अवेलेबल तो सॉलिड फ्यूल में क्या यूज़ करेंगे ओनली पल्वराइज कोल ओनली पल्वराइज कोल और पल्वराइज कोल क्या होगा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगा मैश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सो ओनली पल्वराइज फ्यूल आप यूज करेंगे कोई और यूज नहीं करेंगे ठीक है ओके okay, आगे चलते हैं ना ऑपरेशन ऑफ द गैस ट्रबाइन गैस ट्रबाइन के जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो दो तरह का ऑपरेशन होता है एक स्टार्टिंग ऑपरेशन एक शटिंग डाउन ऑपरेशन सो दोनों को बात करेंगे स्टार्टिंग कैसे करेंगे शट डाउन कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था ना कि जो गैस ट्रबाइन है इसमें सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता है आपको इसे स्टार्ट करना पड़ता है इफ यू आर यूजिंग गैस ट्रबे एज ए बेस लोड प्लांट तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो चौबीस घंटे ट्वेंटी फोर बाई सेवन रन करेगा बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज वी आर यूजिंग गैस ट्रबेन एज ए पीक लोड प्लांट मीन्स पूरे दिन में चार घंटे छह घंटे के लिए यूज करना है उसके बाद उसको शट डाउन कर देना है मीन्स एक बार स्टार्ट भी करना पड़ेगा शट डाउन भी करना पड़ेगा सो so, दोनों के लिए प्रोसेस क्या होगा स्टार्ट के लिए आपको मैं बताता हूं पहले

सो जो स्टार्टिंग मोटर वो तीनों को रन करेगी अल्टरनेटर को भी रन करेगी टरबाइन को भी रन करेगी कंप्रेसर को भी रन करेगी जब कंप्रेसर को रन कर रही है तो कंप्रेसर विल ड्रॉ द एयर फ्रॉम एटमोसफियर कंप्रेस इट सप्लाई टू कम्बस्चन चैम्बर देयर विल बी कम्बस्चन सप्लाई टू गैस ट्रबाइन इट विल एक्सपेंड इन द गैस ट्रबाइन एंड देन इट विल रोटेट द गैस ट्रबाइन और जब गैस ट्रबाइन रोटेट होगा तो कंप्रेसर भी रोटेट होगा और जैसे कंप्रेसर अपने आप रोटेट होना शुरू करेगा जो उसकी प्री डिटरमाइंड स्पीड है जैसी वो अटेंड होती है स्टार्टिंग मोटर का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है इट इज सेम केस एज कार के अंदर हम आप देखते हैं ना बैटरी होती है कार को आप स्टार्ट करते हैं पहले कार या बस को स्टार्ट करते हैं सो एक बैटरी होती है जैसे आप बैटरी से स्टार्ट करते हैं और वो जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है कार स्टार्ट होती है स्टार्ट होने बैटरी का कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है इट इज़ सेम हेयर राइट सो वेन कंप्रेसर कंप्रेस द एयर

अकर्स वेरी फास्ट एज द फ्यूल सप्लाई इज़ कट ऑफ फ्रॉम द कम्बस्चर तो सबसे पहले आपने क्या किया सबसे पहले जो कम्बस्चन चैम्बर है वहाँ पर फ्यूल सप्लाई को बंद कर देते हैं ठीक है फ्यूल सप्लाई को बंद किया आपने सबसे पहले फ्यूल सप्लाई बंद करने के बाद उसके बाद फिर रैपिड शट डाउन इज रिक्वायर्ड रैपिड शट डाउन क्यों रिक्वायर्ड होता है कि जैसे ही रैपिड शट डाउन आप करते हैं तो चिलिंग इफेक्ट मिनिमाइज़ हो जाता है अदरवाइज़ क्या होगा कि कंप्रेसर तो बंद हो सॉरी कम्बस्टन चैम्बर तो आपने बंद कर दिया लेकिन कंप्रेसर चालू है और कंप्रेसर चालू होगा तो क्या होगा क्योंकि कंप्रेसर क्यों किससे कि अटैच है टर्बाइन शाफ्ट से टर्बाइन रोटेट करेगा तो कंप्रेसर भी रोटेट करेगा कंप्रेसर विल टेक द एयर राइट कंप्रेसर एयर लेगा ठीक है वो कंप्रेस करेगा बट कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल उसमें एड नहीं होगा सो कंप्रेसर ने जो एयर को कंप्रेस किया इट विल डायरेक्टली फ्लोज टू द टर्बाइन और वहाँ पर क्या होगा चिलिंग इफेक्ट होगा इससे क्या होगा जो टर्बाइन है टर्बाइन पर कोल्ड एयर आने लगेगी सो चिलिंग इफेक्ट होने से टर्बाइन के ब्लेड की जोमेट्री चेंज हो सकती है शेप चेंज हो सकती है राइट अल्टरनेटिंग स्टार्टिंग सिस्टम में बी यूज एट रिड्यूस स्पीड टू इंश्योर सिमेट्रिकल कूलिंग ऑफ टर्बाइन विच एवॉड द थर्मल किंकिंग ऑफ द शाफ्ट क्लियर है ओके okay, इसके बाद हम बात करेंगे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट की कंबाइंड गैस टर्बाइन विद स्टीम पावर प्लांट एंड कंबाइंड गैस टर्बाइन विद डीज़ल पावर प्लांट दो तरह से कम्बाइंड साइकिल को यूज़ करते हैं सो so, अगर हम बात करें स्टीम पावर प्लांट के साथ सो हीटिंग फीड वाटर विद एक्जॉस्ट गैसिज एम्प्लॉइंग गैसिज फॉर ए सुपर चार्ज बॉयलर टू एक्सपेंड इन द गैस टर्बाइन एम्प्लॉइंग द गैस एज कम्बस्टन एयर इन द स्टीम बॉयलर और डीजल के लिए बात करें तो टर्बो चार्जिंग को जनरेटर एंड कंपाउंड डीजल तीनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं तीनों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कंबाइंड गैस ट्रर्बाइन विद स्टीम पावर प्लांट तो एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है यहाँ पर वी आर यूजिंग हीटिंग फीड वाटर विद एग्जॉस्ट गैसेज अगर आप देखें देखिए एग्जॉस्ट गैसेज से कैसे कर रहे हैं फीड वाटर को ये फीड वाटर है जो थर्मल पावर प्लांट में जा रहा है ध्यान रखना इसमें कोई हॉट वाटर की जरूरत नहीं होती है तो फीड वाटर जा रहा है थर्मल पावर प्लांट में कम्ब ये कंप्रेशर कंबस्टन चैम्बर टर्बाइन यहाँ तक आपको पता है बताने की ज़रूरत नहीं है इसका जो टेम्परेचर है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नाइन डिग्री फॉरन हाइट सो अभी क्या होता है इसको हमने इकोनोमाइजर से क्रॉस किया यू कैन इट इज ए टाइप ऑफ इकोनोमाइजर सो फीड वाटर यहाँ पर हॉट हो जाता है और इसको फिर फ्लू गैस को में डिस्चार्ज किया और इस वाटर को बॉयलर में हमने सप्लाई कर दिया ठीक है सो एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ द गैस आर यूज टू प्री हीट द फीड वाटर इन फॉर स्टीम पावर प्लांट सो नो स्टीम ब्लीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इसके बाद सेकेंड की बात करते हैं द गैस फॉर ए सुपर चार्ज बॉयलर टू एक्सपेंड इन द गैस टर्बाइन अगर आप देखें तो देखिए मैंने कहा गैस इज फ्राम ए सुपर चार्ज बॉयलर टू एक्सपेंड इन द गैस टर्बाइन अब देखिए ये कम्बसन चैम्बर है ये सुपर चार्ज बॉयलर है सो तो सुपर चार्ज बॉयलर की फरनेस में इसको हमने लेकर के गए और वहाँ से फ्लू गैसेज को हमने टर्बाइन में एक्सपेंड किया और टर्बाइन से गैसेज एग्जॉस्ट गैसेज इकोनोमाइजर में गई इकोनोमाइजर में फीड वाटर को हीट किया और ये वापस हॉट वाटर बॉयलर में आ गया और यहाँ से फ्ल्यू गैसेज ऊपर एटमॉस्फेयर में चले गए देखिए द फीड वाटर बिफोर डिस्चार्ज क्लियर ड्यू टू हाई प्रेशर इन फर्नेस हीट ट्रांसफर रेट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बॉयलर विच स्मॉलर साइज ऑफ द बॉयलर नीड नो नीड टू यूज एनी ड्राफ्ट फैन ड्यू टू हाई प्रेशर इन द फर्नेस इट सेल्फ and overall increment in the efficiency is about seven percent. इसके बाद बात करेंगे employing the gases as combustion air in steam boiler. अगर आप इसको देखें तो देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए यहाँ पर compressor है compressor से combustion chamber gas turbine. यहाँ तक समझ में आता है और ये cycle समझ में आता है exhaust gases of the gas turbine supply to the boiler and superheater. ठीक है अब बॉयलर और सुपर हीटर से ये स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं देन देर इज ए कम्प्लीट साइकिल स्टीम टर्बाइन विल रन अब यहाँ ठीक है और यहाँ से थोड़ी सी स्टीम ब्लेड की और ये फीड वाटर को सप्लाई किया ये फिर इकोनोमाइजर में गया फीड वाटर और ये सारा साइकिल कंटिन्यूस है एग्जॉस्ट गैसेज आर यूज एज प्री हीटेड एयर फॉर कंबस्शन इन द बॉयलर विच इम्प्रूव अप्रॉक्सीमेटली फाइव परसेंट इन हीट रेट ऑफ द प्लांट सप्लीमेंट्री फ्यूल एंड एयर इज़ फेट टू द बॉयलर एंड बॉयलर साइज इज़ बिगर देन द कन्वेंशनल क्लियर इसके बाद हम बात करते हैं डीजल साइकिल के लिए कि कंबाइंड गैस टर्बाइन विथ डीज़ल पावर प्लांट अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि वट इज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये ये जो हम चल रहे हैं चल रहे हैं एज पर द सिलेबस मैं आपको बताऊँगा डीजल पावर प्लांट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है क्या करते हैं हम सो so, uh, डीजल पावर प्लांट में uh, अगर यूज़ करें तो हम टर्बो चार्जिंग यूज करते हैं दिस मेथड इज़ नॉन एज सुपर चार्जिंग आप देखिए This, ये डीजल इंजन है ठीक है कंबस्टन चैम्बर ये यहाँ पर कूलिंग की डीजल इंजन में गए और यहाँ से ये टर्बाइन में अब देखिए दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज सुपर चार्जिंग द एग्जॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इज एक्सपेंडेड इन द गैस ट्रबाइन अब हो क्या रहा है जो कम्बस्टन आपने कंप्रेसर में आपने जो कम्बस्ट कंप्रेस किया उसको तो डीजल इंजन में बर्न कर दिया फ्यूल को फ्यूल से और डीजल इंजन का जो एग्जॉस्ट उससे ट्रबाइन को रन कर लिया सो so, दो बार आप टर्बाइन को रन कर रहे हैं ध्यान रखना है ना डीजल इंजन से भी और एग्जॉस्ट से भी सो द एग्जॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इज एक्सपेंडेड इन द गैस टर्बाइन एंड आउटपुट इज यूटिलाइज्ड टू रन अ कंप्रेसर विच सप्लाई द कंप्रेस्ड एयर टू द इंजन अगर गैस जनरेटर की बात करते तो देखिए द कंप्रेसर विच सप्लाई कंप्रेस्ड एयर टू द डीजल इंजन इज नॉट ड्रीवन फ्रॉम द गैस टर्बाइन बट फ्रॉम द डीजल इंजन थ्रू सम समेबल ड्राइव आप इस डायग्राम को देखिए देखो कंप्रेसर और ये कूलर ठीक है अब यहाँ पर कुछ सूटेबल ड्राइव हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर जो है कंप्रेसर से डीजल इंजन को रन uh, नहीं कर रहे हैं हम ठीक है द आउटपुट ऑफ डीजल इंजन इज कंज्यूम्ड इन कंप्रेसर एंड गैस स्टेन सप्लाई द पावर अब देख रहे हैं डीजल इंजन से कोई पावर रन नहीं हो रही है ना कंपाउंड इंजन की बात करें तो एयर कंप्रेसर इज डिवन फ्रॉम बोथ डीजल इंजन एज वेल एज गैस थ्रू ए सुटेबल ड्राइव एंड द पावर आउटपुट इज टेकन फ्रॉम डीजल इंजन शाफ्ट क्लियर है यू कैन सी इट इन द डायग्राम अब देखिए वॉट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंबाइंड साइकिल इंप्रूवसी लेस कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड मोर सुटेबल फॉर रैपिड स्टार्ट एंड शट डाउन हाई रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू ग्राउंड स्पेस एंड सेल्फ सस्टेनिंग अब इसकी साइड सिलेक्शन की अगर बात करें गैस स्टन की साइड सिलेक्शन सो प्लांट मस्ट भी लोकेटेड नियर टू लोड सेंटर टू अवर ट्रांसमिशन लॉस एंड कॉस्ट ठीक है समझ में आती है बात गुड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल एट लेसर कॉस्ट शुड भी अवेलेबल कंटिन्यूअसली मैंने आपको बताया गैस है गैस की लार्ज क्वांटिटी को तो आप स्टोर कर नहीं सकते सो so, गैस क्या होता है पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है सो गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल गुड क्वालिटी ऑफ़ फ्यूल का मतलब है कि हुज कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई सो दैट फ्यूल मस्ट बी सप्लाई एट लेसर कॉस्ट एंड कंटिन्यूसली तीन चीज़ें हैं यहाँ पर गुड क्वालिटी फ्यूल लेसर कॉस्ट अवेलेबिलिटी कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों ट्रांसपोर्टेशन चाहिए इक्विपमेंट्स को लाना है ऑपरेटर्स आते हैं वर्कर आते हैं है ना तो उन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर लेबर एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड अच्छा इसके साथ साथ क्या है कि ये जो प्लांट होते हैं ना, ना गैस बेस्ड पावर प्लांट ये नॉइज़ ज़्यादा करते हैं जब ये नॉइज़ ज़्यादा करते हैं तो क्या करना होगा हमें उस नॉइस को थोड़ा सा हमें थोड़ी से इत, इस तरह से लगाना होता है कि नॉइज से जो सिटीजन है लोकल रेजिडेंट है वो हार वो नुकसान ना उनको प्रॉब्लम ना हो अब देखिए मैंने आपसे आपको कहा था कि आई विल टेल यू दट आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है इसमें क्या करते हैं देखिए आपको इतना तो पता है कि ये एक कंप्रेसर है टरबाइन के साथ ये कनेक्ट किया हमने मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर कंबस्टन चैम्बर है ठीक है एयर यहाँ से आपने लिया एटमोसफियर से अब ये देखिए ये जो एयर है इसका टेम्परेचर है नाइन हंड्रेड डिग्री फारन हाइट सो इसको हम क्या वेस्ट कर दें एटमोसफियर में हम वेस्ट नहीं करते मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए लेकिन अब आज क्या करते हैं आज की डेट में एक बॉयलर ड्रम यूज करते हैं हम ये है बॉयलर ड्रम ठीक है इसमें फर्नेस नहीं है ध्यान रखना देर इज नो फर्नेस इन द बॉयलर ड्रम और यहाँ से हम क्या करते हैं देर इज नो फर्नेस इन द बॉयलर ड्रम और यहाँ से जो हॉट गैसेज हैं इसको इस बॉयलर ड्रम के अंदर ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं इसको अब बॉयलर ड्रम में ऐसे ऐसे करके लेके क्या होगा वाटर विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम क्या होगा वॉट अब आपने कोई फर्नेस नहीं ली बॉयलर में कोई एक्स्ट्रा फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं वाटर विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम ठीक है अब ये जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया उस स्टीम से आप क्या करते हैं टरबाइन को रन करते हैं क्लियर है टरबाइन को रन किया अब टर्बाइन को रन किया थी जो वेट स्टीम है इसको कंडेंसर से क्रॉस किया ये कंडेंसर है और यहाँ से एक पंप लगाया और वापस इसको बॉयलर में ले के गए अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये पैसेज जो है यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ होता है और इस वाल्व के साथ ये पैसेज कनेक्ट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ये पैसेज इस वाल्व से ये पैसेज बंद होता है क्यों बंद होता है क्योंकि आपको हीट को फ्लू गैस को बॉयलर में लेकर के जाना है बट अगर बॉयलर में कुछ भी रिपेयरिंग चल रही है इंस्पेक्शन चल रही है रूटीन चेकअप चल रहा है तो इस वाल्व को ओपन कर देते हैं ओपन करने से क्या होगा बॉयलर की सप्लाई कट हो जाएगी और ये गैस यहाँ से ऐसे आएगी और ये सीधा एटमोसफियर में डिस्चार्ज हो जाती है सो so हमारी मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि जो बॉयलर की जो रूटीन इंस्पेक्शन है मेंटेनेंस है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए हो क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम के लिए होगा आप डायरेक्ट इसको एटमोसफेयर डिस्चार्ज करते रहेंगे एंड इट विल बी द डायरेक्ट लॉस ठीक है सो so, इस लॉस से बचने के लिए हम इस तरह से वर्क करते हैं जल्दी जल्दी रिपेयरिंग कर लेते हैं और फर्नेस नहीं लगाई सो so, इस तरीके से ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्निक इन द गैस गैस बेस्ड पावर स्टेशन सो थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग